टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि लंबे वक्त के बाद फाइनली डिंपल और टीटू की शादी के बहाने अनुपमा की शाह परिवार में एंट्री होती है। ये कमबैक उतना ही धाकड़ और धासु होगा जितना इसके होने की फैंस उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पड़ोसनों के आगे रुतबा दिखाने के चक्कर में बड़बोली लीला के ढिंढोरा पिट जाएगा कि अनुपमा इस शादी में नहीं आएगी। वनराज शाह भी इसी बात पर अड़ा हुआ है। अनुपमा का इस घर से अब कोई लेना देना नहीं है और कोई भी सदस्य घर में अब से अनुपमा का नाम नहीं लेगा, लेकिन सभी इस बात से अनजान है कि अनुपमा की फ्लाइट इंडिया में लैंड कर चुकी है। लेकिन सभी इस बात से अनजान है कि अनुपमा की फ्लाइट इंडिया में लैंड कर चुकी है। शनिवार के एपिसोड के आखिर में ये नया प्रोमो वीडियो दिखाया गया है जिसमें अनुपमा को शहनिवास की दहलीज पर कदम रखते देखा जा सकता है। अनुपमा को दरवाजे पर खड़ा देखकर डिंपी दौड़कर आएगी और मम्मी को गले लगा लेगी, लेकिन इससे पहले कि अनुपमा घर के भीतर कदम रखे वनराज शाह वहां पहुंचेगा और अनु की आरती उतारते हुए उसके मुंह पर फूल मारेगा। वनराज शाह कहेगा कि अनुपमा जोशी सात समंदर पार अपने देश का नाम रोशन करके आई है, इस बात पर मिठाई तो बनती है। ये कहते हुए वनराज शाह अपनी एक्स वाइफ अनुपमा के मुंह में मिठाई ठूस देगा। वो कहेगा कि इस देश में तो तुम्हें एंट्री मिल गई लेकिन इस शादी में नहीं। अनुपमा भी वनराज शाह को करारा जवाब देगी और एक बड़ी सी मिठाई उठाकर वनराज शाह के मुंह में ठूस देगी। अनुपमा जवाब देती हुई कहेगी कि शुभ दिन पर कड़वी बातें नहीं करते मिस्टर शाह, और ये तो बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, ये किसी का सगा नहीं होगा, बिल्कुल आपकी तरह। इससे पहले कि दोनों के बीच कुछ और बातें हों, बच्चों में से अंश दौड़ता हुआ अनुपमा के पास आएगा और अपनी दादी को गले लगा लेगा, लेकिन इसके आगे वो कहेगा कि उसे सुनकर सब शॉक रह जाएंगे। अंश अपनी दादी से कहेगा, दादी क्या आप यहाँ पर हमेशा के लिए ही रहेंगी? अनुपमा इससे पहले कि अपने पोते को कुछ जवाब दे वो अगला सवाल दागते हुए कहेगा कि मैंने सुना है कि अब हम आपके हाथ का बना हुआ कोई खाना नहीं खा सकेंगे। अनुपमा समझ जाएगी कि सिर्फ बड़ों में ही नहीं बल्कि छोटों के बच्चों के दिमाग में भी उसके खिलाफ जहर भरा गया है। अनुपमा लौटी है तब जाहिर तौर पर शाहनिवास में काफी सारा एक्शन होने वाला है, लेकिन ये ड्रामा और भी कई गुना बढ़ जाएगा जब आद्या और अनुज कपाड़िया इस शादी में पहुंचेंगे।